देखिए, कुछ समय पहले ऐसी शिकायतें मिली थी कि लोगों को अनजान नंबर से कॉल आती है और उन्हें सटीक जानकारी दी जाती है कि उनके किस खाते से कितना उन्होंने किस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई जाती थी। इसी क्रम में जानकारी होने पर साइबर थाना पुलिस आगरा और SOG टीम ने एक कार्रवाई करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कीपैड फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप व 4 लाख नगद कैश बरामद किया गया है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि इन में से 3 लोगों ने, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति संभल का रहने वाला है, एक मेरठ का और एक फिरोजाबाद का, 3 व्यक्ति जो मुख्यतः ये गिरोह चला रहे थे, इन लोगों ने नोएडा में एक इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में काम किया है। यहाँ से इन लोगों को जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंश्योरेंस उसमें इन्वेस्ट किया, उनका डेटा हासिल किया और फिर फर्जी नंबर लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की। अभी तक इन्होंने जो अपनी पूछताछ में चीज़ें बताई हैं उससे लगभग 4 से 5 करोड़ लोग 4 से 5 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड ये लोग कर चुके हैं। बाकी और जानकारी की जा रही है, इनके फ़ोन नंबर से, जो भी फ़ोन इनके CDR से फ़ोन नंबर मिले हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उन्हीं के उस पर आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बहुत सारी ब्रोकर इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनके पास इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा रहता है, तो पॉलिसी लैप्स होने पर वो कस्टमर से बात करती है। अब कुछ व्यक्ति ऐसी कंपनियों में डेटा को लीक कर देते हैं और फिर इस तरह के गिरोह जो कि एक्टिव हैं उस डेटा को लेकर ग्राहक से बात करते हैं, उसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हम एक जो ऑथेंटिक कंपनियों से बात कर रहे हैं। कन्वेंस करने के बाद उसका जो पैसा है वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं और उस फ्रॉड करने के बाद मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे फ्रॉड सिम से और म्यूल अकाउंट में होते तो इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। देखिए, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोएडा में, जैसा मैंने आपको बताया, कॉल सेंटर और ब्रोकर इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, और 3 लोग इनमें से 2022 में जेल भी गए हैं। लगभग 3 से 3.5 महीने कुरुक्षेत्र जेल में रह के आए हैं जहाँ इनकी बातचीत हुई, और कुछ व्यक्ति अभी भी किसी कॉल सेंटर या ब्रोकर इंश्योरेंस कंपनी में बात करते हैं, उन्हीं के थ्रू ये पूरा का पूरा सिंडिकेट अपना ऑपरेट कर रहे हैं।